कि आज हम गिरफ्तारी किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। तो सलमा अगर जी का आह्वान है, वो आए अपना उद्बोधन करें। इसके बाद भाई श्री राजकुमार सैनी जी संबोधन करेंगे और ठीक इसके बाद दो शब्द बोलते हुए मैं तैयार हूं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। और पुलिस चाहे तो गिरफ्तारी कर सकती है। और पुलिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का कंटेप्ट कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का कंटेप्ट नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का कंटेप्ट कर रही है, इसलिए हम यहाँ आए। सुप्रीम कोर्ट से कंटेप्ट करने का काम किया, कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शासन प्रशासन चलाने का काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम कर रही है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट लगातार SC ST OBC के खिलाफ फैसला देते आ रही है। आरक्षण को खत्म करने का काम न्यायपालिका करती चली आ रही है, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, सीनियरिटी का मामला हो, हम उसको बताने आए हैं। हम कंटेम्प्ट नहीं करने आए हैं। अगर कंटेम्प्ट किसी ने सबसे ज्यादा किया है इस देश में संविधान का, तो जजों ने किया है, न्यायपालिका ने किया है। आज संसद का भी काम न्यायपालिका करे, शासन प्रशासन का भी काम चले करे, मॉनिटरिंग कमेटी का भी संचालन करे, तो सरकार क्या करेगी, हम क्या करेंगे। 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सालों में नहीं कर सकते हैं, मिनटों में दो जज बैठ करके कर देते हैं। ये जज किसके लिए अकाउंटेबल हैं? अब तो अभियोग भी नहीं चलता, इम्पीचमेंट भी नहीं चलता है, इनका कोई इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है। भगवान है तो मैं नहीं जानता हूं भगवान कहाँ है, वो इनका इनके ऊपर नियंत्रण करे। भारत में इनके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाली शक्ति अब नहीं रह गई। इनकी बोली हुई चीज देश की कानून हो रही है, जो भी इनके बोले उसको डांटे फटकारे। अरे मनोज तिवारी जी ने एक सीलिंग तोड़ी और सीलिंग थी गलत, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस देके उन्हें बुलाया, पता चला कि वो सीलिंग ही गलत थी। और अब भी झाड़ा क्यों झाड़ा भाई, और जिन अधिकारियों ने सीलिंग गलत करी थी उन अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। आज इनके जांच से पूरा देश, सरकार चले, अधिकारी चले, ये प्रोजेक्ट रुकवाने का काम ये करे, शासन प्रशासन काम ये करे, जांच एजेंसी बनने का ये काम करे, तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के किस लिए गए हैं? कानून बनाने का काम इन्होंने ही ले लिया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो लाखों लोग आ जाए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, आकर के इस तरफ के कुर्सियां भरने का काम करें, जो कार्यकर्ता हैं इनको बैठाने का काम करें। पीछे हजारों लोग जमा हुए हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह है कि यहाँ पर चेहरा दिखाने से, मंच पर मरने से आपका काम खराब हो रहा, थोड़ा देर मंच छोड़ करके पीछे जाइए। अफवाहें चल रही हैं, लोग डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हो? गिरफ्तारी तो मैं दे रहा हूं, आपको जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूं। आपकी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत जो अपनी इच्छा से चाहे वही गिरफ्तारी दे। इसलिए भगदड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने भगदड़ का माहौल देखा है और जगह जगह पर
पुलिस प्रशासन ने हजारों हमारे प्रदर्शनकारियों को रोक रखा है, सुप्रीम कोर्ट में कनॉट प्लेस में रोका है, मिंटो रोड पर रोका है, पटकुइयां रोड पर रोका है। हमारी ईमानदारी का नाजायज फायदा नहीं होना चाहिए। हमने पहले अगर पुलिस प्रशासन को बता दिया कि हम जाएंगे घेराव करने, इसके मतलब यह नहीं कि हमारे लोगों का घेराव आप रास्ते में कर दो, आप उनको आने ही न दो, हमारी रैली खराब कर दो, ये बात ईमानदारी की नहीं है। मैं पुलिस से कोऑपरेट करना चाहता हूँ, हम ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं, ये मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ा। अभी जगह जगह से फोन आ रहे हैं, पचकुइया रोड में उनको तितर बितर कर दिया गया, बारह खम्भा रोड में उनको डंडे मार के भगा दिया गया, रास्ते में रोका गया, हमारे यूथ को जगह जगह पर रोक दिया गया है, पूरे एनएसओ एसवाईएफ की टीम को रोक दिया गया है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ईमानदारी का जवाब ईमानदारी से दो, पुलिसिया वाला हथकंडा मत अपनाओ, जैसे नेताओं वाला हथकंडा मैंने नहीं अपनाया है कि नेता कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हमने सुबह ही बता दिया था कि हम सांकेतिक रूप से हम अपना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, हमने अपने मनसा को पहले ही जाहिर कर दिया था। जब हमने ईमानदारी से अपने मनसा को जाहिर कर दिया था, तब इस तरह से उनको चालाकी नहीं करना चाहिए, इस तरह से विश्वासघात उन्हें नहीं करना चाहिए। एक तरह से विश्वासघात किया, अगर मैं लाखों लोगों को यहाँ जमा कर देता और अचानक बोल देता कि चलो सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली की पुलिस भी कम हो जाती है। क्या वो चाहते थे आप? लेकिन मैंने वो नहीं चाहा। हम सारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हम अनुशासित लोग हैं, हम अनुशासन नहीं तोड़ते, हमारा 21 तारीख का इतिहास है, लेकिन हमारे संयम का इस तरह से परीक्षा न लिया जाना चाहिए, हमें कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, हमें हल्का नहीं दिखाया जाना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ में पुलिस से शिकायत करना पड़ रहा है, हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, जहां जहां पर रोका गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, गाड़ियां गलत जगह पर डाइवर्ट की गई है। ये तो मुझे अब जाकर के पता लगा कि वजह क्या है, और जिस तरह से बीच में जाकर के डराने का काम किया जा रहा है, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, आप क्या नेता भी डरते हैं, थर्राते हैं न्यायपालिका के नाम से, तो आप थर्राइए नहीं। ये स्वच्छता से गिरफ्तारी जो गिरफ्तार चाहिए, और 10 मिनट के बाद हम यहाँ कूच करेंगे। जो लोग, ये मैं सच्ची बात है कि जो लोग मेरे साथ गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अरे गेट के बाहर थोड़ी जा रहे हैं, कार्यक्रम आप चला के रखिएगा। ये भारत में पहले बार इतने बड़े स्तर की तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का घेराव होने जा रहा है, और यह विरोध हमने यहाँ पर किया। ये पीछे हमारे साथी आ रहे हैं हजारों हजार, और बसों में जो लोग बैठे हैं, मुझे मैं आग्रह करूंगा कि आधा घंटे के लिए आ जाइए। नहीं, मीडिया ये कहेगी कि अरे उदित राज तो रामलीला मैदान नहीं भर पाया, डीओएम परिसंघ कमजोर हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ की ताकत घट गई है, ये लांछन नहीं लगना चाहिए, इसलिए चले आइए आप लोग। आप ये जो लोग बीच में हैं इधर जा सकते हैं, बिल्कुल मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सांसदी रहे या न रहे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूं या न रहूं, इसकी मुझे कोई चिंता रहती ही नहीं है।
इसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। अगर चिंता रहती तो प्राइवेट मेंबर बिल प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन में संसद में ना पेश किया होता। आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया, मैंने किया। अगर मंत्री और सांसदी की लालच होती तो आज हम यहाँ पर न्यायपालिका को यह बताने न आते कि आप भटक गए हैं। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्र परिभाषित है, लेकिन लगातार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का काम किया। भारत के संविधान में संतुलन बिगड़ गया है। यही वजह है कि 2006 में लाखों दुकानें सील करी गई, लोग बर्बाद हो गए, फायदा किसी को नहीं मिला, सिवाय की बर्बादी हुई। इस बार भी यही होगी कि बर्बादी होगी, सीलिंग से बर्बादी होने वाली है, फायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। अधिकारी कर्मचारी पैसा कमा रहे हैं। हम सरकार से भी कहने आए हैं कि लगातार कई सालों से आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है। आरक्षण अगर पूरा नहीं होगा तो दलित समाज जागरूक है, पिछड़ा समाज जागरूक है, किसी की भी खबर ले लेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी को हो या आम आदमी पार्टी की हो। ये समाज जागरूक है, ये जानता है कि सिंबोलिज्म से, भाषणों से उसका पेट नहीं भरने वाला है। 27% का आरक्षण पिछड़ों को मिला, 27% आरक्षण, लेकिन 7% तक आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये पिछड़े समाज के नेता ये सोए हुए हैं, ये लोभी लालची हैं, ये पिछड़े समाज को धोखा देते हैं, जातियों के नाम पर संगठन बनाते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। उनकी भी लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। तमाम जो जातियों के संगठन बने हैं पिछड़े वर्ग से,